नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी के साथ विरोधी दल भी जोर शोर से जुड़ गए हैं। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव जमकर जुबानी हमला कर रहे हैं, लेकिन MY यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर के आगे इन दोनों दिग्गज नेताओं का हर प्लान फेल होता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव ने बीते दिनों में अपनी रणनीति बदली है। उन्होंने बीजेपी के विरोधी दलों को साथ लेकर चलने पर ध्यान दिया है, साथ ही उन्होंने विपक्षी एकजुटता को और तेज करने का प्रयास किया है। इसके अलावा दोनों बीते दिनों में बीजेपी सरकार में तमाम मुद्दों को लेकर राज्य के लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन दोनों सपा नेताओं का प्लान बीजेपी के MY फैक्टर के आगे फेल होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिनों एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में करीब 10,000 लोगों को शामिल किया गया था। सर्वे में सामने आया है कि अगर अभी देश में लोकसभा चुनाव होता है तो यूपी में बीजेपी को करीब 67 से 73 सीट आ सकती है, जबकि मुख्य विपक्षी दल सपा को राज्य में 3 से 6 सीट आने का अनुमान सर्वे में जताया गया था। इसके अलावा सर्वे में करीब 42% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतर CM बताया था, जबकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को 37% लोगों ने बहुत बेहतर माना। इसके अलावा सर्वे में 41% लोगों ने माना कि सरकार का कामकाज संतोषजनक है। वहीं 22% लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार का कामकाज बेहद खराब है, यानी PM मोदी के साथ करीब 78% लोग सर्वे में नजर आए। ऐसे में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी फैक्टर के आगे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल की जोड़ी साफ फेल होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के प्लान बीजेपी के MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर के आगे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी लगातार MY फैक्टर के लिए काम कर रही है, जिससे मुस्लिम और यादव भी अब बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जिससे सपा की मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही है। वहीं लोगों का मानना है कि CM योगी सबसे अच्छे CM और PM नरेंद्र मोदी के कामों को भी काफी बेहतर बताया गया है, जिससे ये साफ जाहिर है कि लोगों को अखिलेश यादव में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।